मुंबई की लोकल ट्रेन में फटका गैंग सक्रिय, दो गिरफ्तार। मुंबई की लोकल ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों हो जाइए सावधान, रेलवे में कई स्टेशन पर फटका मार गैंग सक्रिय है। ऐसे ही दो लोगों को GRPF STF के अधिकारी ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने 8 अप्रैल को मध्य रेलवे के नाहौर रेलवे स्टेशन पर एक दिन में 6 यात्री महिला को अपना निशाना बनाया और उनका मोबाइल छीनकर भाग गए थे। गिरफ्तार आरोपी तौसीर अंसारी उर्फ बेरी बांद्रापुर नौपाड़ा और जफर हुसैन शेख बांद्रा के गरीब नगर में रहते हैं। दोनों ही मोबाइल चोर हैं और वे फटका मारकर कई मोबाइल और कीमती वस्तु को चोरी किया है। इन दोनों ने बांद्रा, मुंबई सेंट्रल, अंधेरी, नाहूर, कुल्ला आदि स्टेशन पर फटका मारकर कई मोबाइल में चोरी की है। पुलिस ने यात्रियों से सावधान रहने की भी अपील की है, कहा कि वे गेट पर खड़े होकर किसी से फोन पर बात न करें। दोनों से पूछताछ चल रही है। कुल्ला पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में 8/4/2019 को रात को करीब 8-9 बजे के बाद एक 6 केस रजिस्टर हो गया और उसमें इन्फॉर्मेशन मिली क्या, नाहौर स्टेशन के पास 200 मीटर आगे सिग्नल के ऊपर खड़ा रह के दो बंदे ने हाथ में काठी लेके लेडीज डब्बे को टारगेट करके 2-3 लोकल से मोबाइल फोन हाथ को फटका मार के गिरा दिया था और वो सब नीचे उठा के मोबाइल वो भाग गए थे। वो सब लेडीज मुनु स्टेशन पर रुके थे और मुनु स्टेशन RPF पे जाके पास हमारे पास कुल्ला पुलिस स्टेशन GRP में केस रजिस्टर हुआ था। उसका इन्वेस्टिगेशन सुपीरियर ऑफिसर ने हमको बोला था कि इसका इन्वेस्टिगेशन करो। वैसे हमने STF API कारोबारी और उनकी टीम को दिया था, उन्होंने स्पॉट विजिट किया और उधर से सब आने जाने का रास्ता किधर है CCTV फुटेज चेक किया तो हमको एक इन्फॉर्मेशन मिली कि ये बांद्रा के तौफीक और जाफर ये दो बंदे उन्होंने ये ऐसा कांड किया है। तो उसका उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस किया, मुंबई का CCTV फुटेज रोड के चेक किया 20-25 और उसमें से हमको ये फाइंड हुआ कि ये लोग थे। फिर हमने उसको जाके बांद्रा से अरेस्ट किया, बांद्रा में से अरेस्ट करने के बाद उनको इंट्रोगेट किया तो उन्होंने ये गुनाह किया ऐसी कबूली दे दी। फिर उनके पास से 6 मोबाइल और 83,000 का प्रॉपर्टी हमने रिकवर किया है। फटका गैंग क्या होता है और किस तरह से वो ऑपरेट करते हैं? हाँ, फटका गैंग ये एक तो रात को ऑपरेट होती है, ये रात को टाइम कोई दिखता नहीं और वो ज्यादा से ज्यादा ब्लैक ड्रेस पहनते रहते हैं। हम लोग किसी को भी लोकल पैसेंजर जब ट्रैवल करता होगा तो उसको कोई दिखता नहीं है। उनके हाथ में एक काठी रहती है, वो उनका हाथ ऊपर जाने के बाद वो लेडीज जब फोन पे बात करती रहती है लेडीज क्यों पर्स भी रहती है तो उसको हाथ के ऊपर फटका मारा तो वो लेडीज सडनली कुछ तो भी हाथ पे ऊपर गिरा तो उसको डाइवर्ट होके वो मोबाइल गिर जाता है और वो मोबाइल उठा के वो भाग जाते हैं। उसमें लेडीज को इंजरी भी हो सकती है, होती है और पर्स भी नीचे गिरते हैं। ऐसे केसेस हमारे इधर रजिस्टर होते थे। सर कुल कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है, क्या उनका कोई पीछे बैकग्राउंड भी है, कितने केसेस दर्ज है? इसमें अभी तक हमने दो अक्यूज को अरेस्ट किए है और इन्वेस्टिगेशन चालू है। इसके पीछे उनके बॉम्बे सेंट्रल, बांद्रा और MCT में उनके खिलाफ केस रजिस्टर है, उन्होंने ऐसे ही टाइप के ऑफेंस उधर किए हैं। सर अभी सवाल, ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती है, कई बार महिलाओं का एक्सीडेंट भी हुआ है, तो यात्रियों से आप क्या अपील करेंगे? मैं यात्रियों से यही अपील करूंगा, जब लेडीज डरे से लेडीज जब जाती हो पीक आवर्स के टाइम रात के टाइम तो लेडीज ने एक तो बाहर आके मोबाइल में बात मत करो, अगर जगह रहेगी तो अंदर जाके बैठ लो, अगर बाहर खड़े रहेंगे तो थोड़ा सा अलर्ट रहो, कोई फटका बिटका मारेगा तो आपको कैजुअल्टी हो सकती है और आपकी जान भी जा सकती है, इसलिए ज्यादा करके आप ध्यान से अंदर खड़े रहो और मोबाइल पे बात मत करो। एक सर ये पूछना चाहेंगे कि यह सिर्फ ये महिलाओं को ही टारगेट करते हैं, बाकी पैसेंजर को भी करते हैं? हाँ, ये जो दोनों ने ये महिला को भी टारगेट किया था, ये केस में ये जो हमने किया था इन्होंने महिला पे भी टारगेट किया था ज्यादा करके, बाकी पैसेंजर जेंट्स को भी करते हैं लेकिन इनका पर्टिकुलर लेडीज के ऊपर अटैक था।